नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑपरेट रीबार कटिंग मशीन। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीबार कटिंग मशीन को कैसे ऑपरेट करें। चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। पहले मशीन को फ्लैट और स्टेबल सरफेस पर इंस्टॉल करें यानी रखें। मशीन के सभी पार्ट्स को तरीके से मशीन में फिट करें। स्टेप नंबर 2, प्लग इन सॉकेट। मशीन को प्लग सॉकेट में डालें और इंश्योर करें कि पावर सप्लाई स्टेबल है। स्टेप नंबर 3, चेक द मशीन। मशीन स्टार्ट करने से पहले उसका इंस्पेक्शन ज़रूरी है। इमरजेंसी स्टॉप बटन, बोल्ट्स, स्क्रूज और ब्लेड चेक करें ताकि सब कुछ ठीक हो और सेफ हो। स्टेप 4, सेट द रीबार। अब अपने रीबार को कटिंग स्लॉट में प्लेस करें और उसे ब्लेड के साथ अलाइन करें। स्टेप नंबर 5, एग्जीक्यूट द कट। सब कुछ सेट होने के बाद मशीन का हैंडल या पैडल प्रेस करें और रीबार को कट होने के बाद ज़्यादा फोर्स ना लगाएं। मशीन अपने आप स्मूथली कट करेगी। स्टेप नंबर 6, इंस्पेक्ट द कट एंड ब्लेड। कट होने के बाद ब्लेड और रीबार एज को इंस्पेक्ट करें ताकि ब्लेड वॉर्न आउट ना हो और कट क्लीन हो। अगर ब्लेड डल लगे तो उसको रिप्लेस करने का सोचें। स्टेप नंबर 7, पावर डाउन क्लीन द मशीन। सब कट कंप्लीट होने के बाद मशीन को पावर डाउन कर दें, अनप्लग कर दें और ब्लेड एरिया को क्लीन कर लें। सारे डेब्रिस, वेस्ट और डस्ट को साफ कर लें ताकि मशीन फ्रेश रहे और अगले यूज़ के लिए रेडी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।